तो चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। और हम निकले थे जाने के लिए, भाभी पानी लेकर खड़ी हुई हैं। तो ये अपार्टमेंट है हॉस्पिटल के, और देखा तो गाड़ी का एक टायर में पंचर हो चुका था। तो फिर यहाँ आदर्श उसे जैक से उसको उठा रहा है और स्टेपनी को फिर लगाएंगे उसमें। और वो तो स्टेपनी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, एक एक्स्ट्रा रहता है पहिया। तो ये दोनों आदर्श, रितेश और भैया मेरे लगे हुए हैं। देखो कितना बुरा टायर हो गया, पंचर हो गया था, तो इसको चेंज कर रहे हैं। तो उधर हम सब खड़े हैं, भाभी, मैं, मम्मी। जब कहीं निकलते हैं ना, जब गाड़ी में हो जाता है पंचर तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है। और कोई नहीं, बच्चों ने कर लिया था। अब ये हमारा टायर लग चुका है, अब रितेश लेके चल दिया है गाड़ी को। तो अब हम हॉस्पिटल से निकल रहे हैं क्योंकि भाभी हमारी जॉब करती हैं, हॉस्पिटल में ही है आवास। और अब हम जा रहे हैं अपने घर। और क्योंकि मैं भी एक हफ्ते से लाइव नहीं आ रही थी और किसी को सपोर्ट भी नहीं कर पा रही थी, तो अब मैं सपोर्ट करूंगी। और ये चल दिए हैं हम अपने घर के तरफ चल दिए हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट बनाए रखें और अच्छा भी लगता है। और एकदम रितेश हमारा बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है और वो आराम से चला के ले जा रहा था। उसके पापा बैठे हुए हैं आगे और इधर हम सब हैं। हार्ट दे रही थी रितिका, और अच्छा भी लगता है हार्ट मतलब दिल से सबको सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद उसके पापा चले गए थे ड्यूटी। तो ड्यूटी जाने के बाद फिर हम तीन रह गए थे, तो हम तीनों ही जा रहे हैं अब गाड़ी से। गला ख़राब है, जब कहीं घूमने चले जाते हैं गला जुकाम खांसी ये सब हो जाता है, क्योंकि पानी चेंज होता है ना, तो पानी चेंज की वजह से दिक्कत हो जाती है। पर कोई नहीं, देखो जाना पड़ता है। और पूरे मैंने सफ़र की वीडियो बनाई थी। और ये हाईवे है, हाईवे से जा रहे हैं। और फिर उसके बाद कैंडी भी हमारी बीमार हो रही थी, उसके भी वो इतना नहीं चलती है पैदल जितना वो कैंडी अब चली है इस टाइम। तो फिर उसके बाद फिर हम चल दिए हैं, अब चल दिए हैं हाईवे में। और ये क्रॉस कर रहे हैं हाईवे, ये दिल्ली मुरादाबाद वाला हाईवे है। तो ये कट कर रहे हैं, दूसरे साइड जा रहे हैं। फिर इसके बाद थोड़ी बहुत देर में घर भी पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हम आखिरकार घर पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद सामान इतना था गाड़ी में, उसको शिफ्ट करते करते हो रहे थे परेशान। और कैंडी को पहले पहुंचा दिया था, कैंडी बैठ चुकी है। देखिए देखो चारों तरफ सामान ही सामान है, इतने कट्टे कैसी हो वैसी हो सब सामान था। और फिर मैंने कैंडी के पैर देखे तो कैंडी का पैर हो रहा था एकदम रेड। मैंने चेक किया, मुझे बड़ा तरस आता है जब कैंडी को कुछ हो जाता है। भाई इसको ना हमने सिर्फ 28 दिन की थी, 28 दिन की से हमने पाला है। तो ये ले लिया है मैंने हल्दी और तेल, हल्दी तेल से काफ़ी फ़ायदा होता है। इतना नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े, हल्दी तेल से ही काम चल जाएगा। तो मैंने ये इसके पैर में हल्दी तेल लगा दिया है। तो हल्दी मतलब मसालदानी वाली ना हो, अलग रखी हो उसे लगाएं, क्योंकि ये रहता है ना कभी उसमें वो हो मिर्च वगैरह। देखो कितने आराम से लगा रही है, क्योंकि उसके पैर में परेशानी थी ना, तो इसलिए वो आराम से लेट कर लगवा रही है। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। और ये लगा दिया मैंने ऊपर से,
रुई मतलब कॉटन, और फिर बांध देती हूँ पट्टी इसके, तो पट्टी बन जाएगी ना तो ये खोलेगी नहीं, चाटेगी नहीं उसको, और फिर ये आराम से बंधी रहेगी। और देखो आँख भी बंद कर ली थी, मुझे बड़ा तरसा आ रहा था, और इतनी कार्टून है हमारी कैंडी बहुत ज़्यादा, ऐसी नज़र सी लग रही है उसे बहुत ज़्यादा। और हमें पट्टी बांध दी है तो इससे थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा और ठीक हो जाएगी ये कैंडी हमारी। इसके पैर मैंने बांध दिए, देखो कितने आराम से बंधवा रही है मेरी क्यूट सी। और फिर मैं इसको प्यार कर रही थी, प्यार करके फिर मैं बैठ चुकी थी। और फिर दूसरी बात यह है कि खाना तो कम ही खाया था, फिर रात में लगी आई थी भूख, और फिर मैंने क्या काम किया, मैंने 4-5 आलू काटे, कट किए, इसमें डाला मैंने कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर के बाद डाला मैंने कुटू का आटा रखा था व्रत वाला, वो फ्रिज में रखा हुआ था, ख़राब नहीं होता है, तो मैंने फ्रिज में रख रखा था पैकेट, नया पैकेट था, उसको काट कर मैंने बना डाली कुटू के आटे की पकौड़ी। और मुझे कुटू के आटे की पकौड़ी कचौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, और मुझे तो इतनी पसंद है कचौड़ियाँ, बहुत कचौड़ी किसी की भी हो, आलू की हो या दाल की हो, बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसमें डाल दिए थोड़े से मसाले वगैरह, क्योंकि व्रत का तो है ही नहीं, मैंने खूब झक्का करके मिर्च डाली, हरी मिर्च काटी और जीरा हींग वगैरह सब डाल दी थी, और फिर मैंने बनाई कुटू के आटे की पकौड़ी। और मुझे तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाला पानी, कहीं ज़्यादा ना हो जाए पानी। और फिर उसके बाद फिर जब मुझे लगी भूख तो फिर बच्चों को तो तंग लगती है, तो फिर बच्चों को भी दी थी, फिर मैंने फिर हम तीनों ने खाई, उनके पापा ने तो नहीं खाई, उनके पापा कहने नहीं मैं तो सिर्फ खाना ही काफ़ी है, मैं खाना खा के ही वो लेट चुके थे, पर हमारी तो आदत गंदी है ना, हमने कुटू की आटे की पकौड़ी बनाई थी 11:30 के आसपास रात में, वो भी मेरा तो जब मन करता है ना किसी चीज़ को मैं तो तभी बना लेती, चाहे मुझे मैं ये नहीं देखती दिन हो रहा है फिर रात, जब मन करता है तभी बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डाल रही थी कहीं ज़्यादा ना हो जाए पतला, ये कुटू के आटे मैंने सारा ही डाल लिया था, और ये मैंने चूड़ी कर दी है ऊपर, कहीं चूड़ी ख़राब ना हो जाए, वेलवेट वाली चूड़ी थी वो, नई चूड़ी थी, फिर मैं बोला कि एक एक डाल लूँ इसी में से, तो मैंने डाल ली थी और बाकी उतार दी हैं। मैं ज़्यादातर कंगन पहनती हूँ, चूड़ी तो मुझे खनन खनन जो बोलती है ना वो आज मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैं कंगन ही ज़्यादा पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा मैं वीडियो भी बहुत कम चूड़ी में बनाती हूँ, नहीं तो कंगन में ही बनाती हूँ। और उसके बाद मैं इसको देख रही थी, चला रही थी बार बार, और फिर क्या हुआ कि शेजवान चटनी देखी तो शेजवान चटनी भी कम थी, फिर हमने मीठी चटनी से खाया, मतलब किसान वाली सॉस से, तो उससे इतना स्वाद नहीं आया था पकौड़ियों का, तो कोई नहीं पेट भरना है, और कहते हैं ना इच्छाएं कभी मारनी नहीं चाहिए, तो मैं इच्छाओं को कभी नहीं मारती हूँ, मेरा मन करता है खाने का तो मैं जब मन करता है जब ही बना के खा लेती हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताना किसको रात में भूख लग जाती है दोबारा, मुझे तो ज़्यादातर लग जाती है, पर मैं तो देखो खा लेती हूँ, मैं मोटापे सोटापे की तरफ नहीं सोचती हूँ, मोटापा आए, अरे मोटापा आए तो कहते हैं ना कि मरना है तो खा के मरो, तो इसलिए हम तो खा के ही मरेंगे, भूखे क्यों मरें और इच्छाओं को क्यों मारें। फ्रेंड मेरे चैनल मेरा ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।